तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं लिक्विमल इंजेक्टर क्लीनर के बारे में सारा डिटेल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें है लिक्विमल का इंजेक्टर क्लीनर, तो सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड इसके बाद इसके सारा डिटेल्स बताएंगे। तो ये रहा हमारा इंजेक्टर क्लीनर। तो इसका प्रिंटेड प्राइस यहाँ पे 548 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको परचेस किया 350 के आसपास। तो गाइस, अभी पेट्रोल पंप आ चुका हूँ, तो अभी पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो गाइस, अभी लिक्विमल का इंजेक्टर क्लीनर डालते हैं। तो एक लीटर में 4 ml लगता है, तो मैंने अभी 2 लीटर डलवाया है और पहले से मेरा कुछ था, तो अराउंड 10 ml डालेंगे अभी एंड उसके बाद देखेंगे कितने किलोमीटर बाद परफॉर्मेंस में चेंज आ रहा है। तब इसको डालेंगे। डाल दिया हूँ, तो अभी देखेंगे कितना देर बाद परफॉर्मेंस में चेंज आ रहा है। मेरा हाथ में भी लग चुका है। गाइस, अभी निकलते हैं यहाँ से और देखेंगे कितने किलोमीटर बाद परफॉर्मेंस में चेंज आ रहा है। तो अभी भगाते हैं यहाँ पे। तो अभी तक चेंज नहीं आ रहा है परफॉर्मेंस में, तो जैसे ही चेंज महसूस होगा तो मैं बता दूँगा। तो गाइस, 1.5 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को परफॉर्मेंस में थोड़ा चेंज नज़र आ रहा था और अभी मैं 3 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया हूँ, तो अभी बाइक पूरा स्मूथ हो चुका है। और गाइस, मतलब इंजेक्टर क्लीनर को कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करना है,
ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक इंजेक्टर क्लीनर है, केमिकल भी है, तो ज़्यादा यूज़ करने से इंजेक्टर ख़राब हो सकता है। तो सबसे बेटर होगा कि इसे मतलब अगर फुल टैंक करवाएंगे तो 2000 किलोमीटर तक नहीं यूज़ करेंगे, और अगर 5 लीटर का अब तेल डलवाते हैं तो 1000 किलोमीटर तक इसे यूज़ नहीं करना है, और अगर 5 लीटर से कम यूज़ कर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो इसे 500 किलोमीटर तक नहीं यूज़ करेंगे। यही सबसे बेटर है, और आई थिंक कि कैन में भी यही लिखा हुआ था। तो गाइस यही था वीडियो, तो अभी वीडियो को क्लोज़ करेंगे, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।